गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन टुडे यू हैव टू राइट द डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑफ लेसन टू इन योर नोटबुक एंड लर्न द स्पेलिंग्स दिस इज योर नोटबुक. यू विल राइट द डिफ़िकल्ट वर्ड्स यर बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू व्हाट डिफ़िकल्ट वर्ड्स आर डिफ़िकल्ट वर्ड्स कौन से वर्ड्स होते हैं ये वो वर्ड्स होते हैं जो स्टोरी में आते हैं आपके लिए न्यू वर्ड्स हैं आप पहली बार इन वर्ड्स को सुन रहे हो और जिनका मीनिंग आपके समझ में नहीं आया जैसे इस स्टोरी में कौन से कौन से डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं रिवर चेजिंग क्लाउड्स क्रंचिंग अरोमा स्टो मैच बबल्स शेयर्स पेशेंटली सरप्राइज स्ट्रेनर पाइल्स स्टेयर्स डिसअपियर Now we will write them in the notebook. Take out your notebook, open a page, write CW on top, date, and lesson number two a cup of cha. You will write here difficult words.

क्लास वर्क हमेशा मार्जिन की राइट right साइड से शुरू होता है लेफ्ट में सिर्फ नंबरिंग के लिए जगह खाली छोड़ते हैं राइट डाउन द नंबर्स फ्रॉम वन टू फिफ्टीन नाउ वी विल स्टार्ट राइटिंग वी विल बिगिन ईच वर्ड विद अ कैपिटल लेटर क्योंकि इससे शुरुआत हो रही है फर्स्ट वर्ड इज रिवर रिवर मीन्स नदी हमारे मथुरा में कौन सी रिवर बहती है यमुना रिवर चेजिंग चेजिंग मीन्स किसी चीज़ का पीछा करना उसको पकड़ने के लिए जैसे तितली उड़ती है तो बच्चे भागते हैं ना उसके पीछे पकड़ने के लिए चेजिंग क्लाउड्स क्लाउड्स मीन्स बादल स्काई में कभी कभी क्लाउड्स होते हैं ना व्हाइट क्लाउड्स ब्लैक क्लाउड्स ग्रे क्लाउड्स बादल क्रंचिंग क्रंचिंग एक आवाज होती है जैसे आप कुरकुरे खाते हो तो आवाज आती है सूखे सूखे पत्तों को पैर से पैर के नीचे से कुछ लोगे तो आवाज़ आएगी ना उसे कहते हैं क्रंचिंग एप्पल खाओगे तो एक आवाज़ आती है पापड़ खाओगे आवाज आएगी वो होता है क्रंचिंग साउंड अरोमा अरोमा मीन्स खुशबू स्पेशली खाने की चीजों की खुशबू जब मम्मी मैगी बनाती हैं खुशबू आती है मैगी तो जंक फूड है लेकिन है ना मम्मी जब खाना बनाती हैं अच्छा अच्छा तो खुशबू आती है उसे कहते हैं अरोमा जब मम्मी हलवा बनाती हैं तो खुशबू आती है ना हाँ अरोमा स्टोव मम्मी गैस पे रोटी सेकती है तो एक तो होता है सिलेंडर जिसमें गैस भरी होती है और एक होता है जिसको मम्मी माचिस से आग लगा के जहाँ रोटी सेकती हैं वो बर्नर होता है वो उसे स्टोव कहते हैं गैस स्टोव मैच मैच के दो तीन मीनिंग्स होते हैं एक तो क्रिकेट मैच होता है बट यहाँ पे स्टोव जलाने के लिए जो मैच उठाया है वो कौन सा हुआ माचिस यहाँ पे मैच का मतलब है माचिस बबल्स बबल्स मीन्स पानी के बुलबुले, जो पानी में बबल्स आते हैं बुलबुले आते हैं पानी खोलता है बॉयल होता है तो जो उसमें बुलबुले आते हैं बबल्स कभी कभी जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो ज़मीन पर भी हम बबल्स देखते हैं शेयर्स शेयर्स का क्या मतलब है किसी के साथ बांटना आप लोग लंच में अपने अपना खाना शेयर करते हो ना फ्रेंड के साथ शेयर्स पेशेंटली पेशेंटली मतलब धीरे धीरे आराम से जल्दबाजी नहीं करना पेशेंटली सरप्राइज़ भोंचक के रह जाना कोई चीज़ जो हमने नहीं देखी अचानक से हो जाए हम सरप्राइज़ फील करते हैं जो बहुत अजीब सी लगती है स्ट्रेनर स्ट्रेनर छलनी जिससे मम्मी दूध छानती हैं चाय छानती हैं वो होता है स्ट्रेनर पाइल्स पाइल्स मीन्स किसी भी चीज़ को इकट्ठा करके एक चट्टा बना देना पाइल्स जैसे जब सूखे पत्ते हम झाड़ते हैं तो उसे इकट्ठा कर देते हैं होती है पाइल्स हम एक के ऊपर एक बुक रख देते हैं तो वो बुक की हो जाती है पाइल क्लास में बच्चे अपना होमवर्क सबमिट करते हैं क्लास वर्क सबमिट करते हैं एक के ऊपर एक नोटबुक्स रख देते हैं वो नोटबुक्स की पाइल बन जाती है स्टेयर्स मतलब बिना रुके देखना घूर के देखना किसी चीज़ को बिना रुके कुछ देर तक देखते रहना एंड डिसअपियर्स डिसर्स मतलब गायब हो जाना पानी लो उसमें नमक मिला कर देखो थोड़ी देर में डिसपेयर हो जाएगा गायब हो जाएगा पानी में चीनी मिलाओगे घोलोगे उसे थोड़ी देर में डिसपेयर हो जाएगी और यहां पे आप नीचे लिखेंगे, लर्न दीज स्पेलिंग्स आपको ये याद करना है इसका डिक्टेशन लेंगी मैम जब स्कूल खुल जाएगा तब ओके सो फिनिश योर वर्क थैंक यू